अस्सलाम वालेकुम। तो वापस आ गए पबजी न्यू स्टेट गेम प्ले वीडियो के साथ। तो इस वीडियो के अंदर फुल तबाही गेम प्ले हुआ है। इस वीडियो के अंदर बहुत सारे बोट्स भी हमने मारे हैं और रियल एनिमीज भी थे, क्योंकि टीयर थोड़ा सा लो है तो बोट्स भी आ रहे थे। तो आपका चैलेंज ये है कि आपने मुझे बताना है कितने बोट्स मैंने मारे हैं और कितने रियल एनिमी थे। तो विनर विल गेट अ शाउट आउट इन माई नेक्स्ट वीडियो। सबसे पहले हमारी लैंडिंग होती है कोचिंग के अंदर, हम लैंडिंग करते हैं। थोड़ा सा मैंने इसके ताकि मैं आपसे कुछ बात करना चाहता था। देख लो, हमने PUBG न्यू स्टेट में पावर रखा है और मिथिक आ गए हैं। मिथिक ने हमारा इस्तेमाल किया है। फिलहाल मजा नहीं आ रहा, लेकिन उम्मीद है कि अगले अपडेट्स के अंदर इसकी फुल ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगी, जैसे PUBG की तरह हुए। इसके ग्राफिक्स अच्छे हैं लेकिन वो इतने स्मूथ नहीं है, तो उतना फील नहीं आ रहा। मेरे फ्रेंड्स बहुत सारे इसके ऊपर शिफ्ट हुए हैं, लेकिन वो वापस छोड़ के PUBG की तरफ जा रहे हैं। तो लेट्स सी इन फ्यूचर क्या होता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्क्वाड आए हुए थे, बहुत ज़्यादा। तो देखिए हम कैसे पुचिंकी को खाली करते हैं। और इस गेम के अंदर चिकन डिनर हुआ और फुल तबाही मैच गया। तो लास्ट तक देखिए, यहाँ पे पहले नॉक देते हैं, साथ ही क्लिक दे देते हैं। तो कोई से ही तकरीबन इसके अंदर नो वो थ्रो का पता नहीं चलता, क्योंकि ये पबजी के अंदर कंकर पे बैठे हुए हैं और सारे दोस्त पे मेरे समेत। लेकिन हम तो रैंक शुरू कर दिया, दोबारा अब गोल्ड हो गया। एक और बंदा आता है, इसको भी नॉक फिनिश दे देते हैं। एंड ये वाला रियल बंदा था। यहाँ पे हम आते हैं तो हमारे दो बंदों को फिनिश करने, उनको नॉक दे देते हैं और अपनी टीम को रह देते हैं। मैं नीचे आते हैं, टीम अप करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये सिंगल बंदा था देते हैं और ये किल्ड हो जाते हैं। तो यहाँ से पीछे से मुझे स्टफ नहीं, अपने स्क्वाड में कैसे ले सकते हैं, इनसे लूट वगैरह करते हैं। इतनी देर में सामने वाला जो घर होता है, इसके अंदर एनिमीज आ जाते हैं सामने वाले घर में। इसमें यहाँ पर थोड़ा सा टाइम देता हूँ, तो मुझे भी जाना पड़ता है। नंबर थ्री एक बंदे को नॉक करके डाउन हो जाता है। मैं इसका किल कंफर्म करता हूँ, अगर दोबारा रैप ना हो जाए तो अपनी टीम मेट को रैप करते हैं। रैप करते ही साथ इसके अपने दो बंदे आ जाते हैं, जिसको अभी फिनिश किया है। वो बंदा भी पीछे भाग गया। इस बिल्डिंग के अंदर अभी ऑलमोस्ट 2-3 एनिमीज है। ऊपर जाना खतरे से खाली था, खतरे नहीं था, क्योंकि ऊपर वो TPP ले रहे थे। वो मेरी टीम एक बंदे को मार चुकी है। अच्छा, ये इसको रैप कर रहा था। एक और बंदे के स्टेप्स आ रहे थे लेकिन वो नीचे था, तो इतनी देर में ये ऊपर आता है। मैं इसकी लूट वगैरह करके तो यहाँ से निकलते हैं। यहाँ से मैं जा रहा होता हूँ तो मेरी टीम के ऊपर एक बोट होता है। लाइक आपको पता है सभी किल के भूखे हैं, चाहे PUBG हो चाहे PUBG न्यू स्टेट हो। तो इसको बोट नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि साउंड का भी बोट बोल रहा है मुश्किल हो गई, क्योंकि आपके पास अगर 20,000 के हैं या 20 रुपये के ऐड फ्री कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसके अंदर साउंड बिल्कुल ही नहीं आता, चाहे आप हेडफोन लगाओ चाहे आप हैंड फ्री लगाओ। चलो आगे चलते हैं। हम स्कूल अपार्टमेंट की तरफ आ रहे हैं, हमारे ऊपर में स्पॉट होते हैं, इसको डीपी के हेडेड मार के डाउन करते हैं। इसके साथ एक्चुअली हम टीम अप करने जा रहे होते हैं, लेकिन हम जा ही रहे होते हैं तो रस्ते पे ये फिनिश हो जाते हैं, हमें किल इसका मिल जाता है। तो देन वी डिसाइडेड टू गो टू रिज़ोके। यहाँ पर ये फुल फिल्मी सीन मेरे दोस्तों ने बनाया था। यहाँ पे हम थोड़ी सी मस्ती कर रहे होते हैं, गाड़ी से मैं उतर रहा हूँ तो गाड़ी पीछे की तरह लाइक रियलिस्टिक बनाने के लिए उन्होंने क्या किया कि अगर आप ऑफ नहीं करते तो गाड़ी पीछे की तरह मूव करना शुरू कर देती है। यहाँ मेरा टीममेट होता है तो ये लॉक हो जाता है। यहाँ तक अब तक हमें पता नहीं था कि गाड़ी से इतने जल्दी अपना टीममेट लॉक हो जाता है। अब हम इस टीममेट को थोड़ा सा ट्रोल करते हैं। इनको रैप देने के बाद मैं अपनी हीलिंग वगैरह पूरी कर रहा होता हूँ,
सो मेरे टीममेट्स सब मुझे ट्रोल करने के लिए ट्राई करने लगे हैं, ट्राई करते हैं भागने का। लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ा मसला, अगर आप नॉक हो जाते तो आपकी जरूरत से अगर हाथ लग गया तो फिर आप वापस नहीं आ सकते। तो ये बहुत जाने वाली बात है, गलती से भी हाथ लग जाए तो गए लेकिन मिल के खाते में चला जाता है। यहाँ पे टीम की गाड़ी ऊपर जा रहे होते हैं, ऊपर में बंदा स्पॉट होता है, शॉट देता है से नॉक फिनिश दे देता हूँ। ड्रॉप के ऊपर जा रहे थे, एक और बोर्ड स्पॉन होता है, मैं फ़ौरन के पैरों में गिर के कह देता हूँ मुझे। यहाँ पे ड्रॉप में देखते हैं WM होती है जो मैं उठाता नहीं हूँ। यहाँ पे आते हैं इसके अंदर ये कन्फ्यूजन हो रही थी, बंदे और बोर्ड के डिफरेंस नहीं पता चल रहा था कि बंदा कौन है बोर्ड कौन है, ये पता ही नहीं चल रहा था। तो आप मुझे बताइएगा कितने बोर्ड्स मैंने मारे हैं और कितने क्लियर हैं। यहाँ पर ये बंदा भाग के आ रहा होता है जोन के फिर अंदर, उसको नॉक नहीं दे सकते। यहाँ पर एक और बंदा मुझे स्पॉट होता है जो हमारी तरफ ही शायद फायर की आवाज़ सुन के आ रहा था, उसको भी नॉक फिनिश करके नीचे की तरफ मैं देखता हूँ तो जोन हमारे ऊपर कटा है। ये सारे बंदे हाइट के लिए ऊपर हमारी तरफ भाग रहे होते हैं। यहाँ पे एक बंदा होता है यहाँ मैं फायर कर रहा हूँ लेकिन वो क्या होता है टेलीपोर्ट हो जाता है। वो देखिए सामने टेलीपोर्ट हो गया। यहाँ पे DP का इतना रिकॉयल अच्छे से किसी कंट्रोल नहीं कर पाता। यहाँ पे एक और बंदा आ रहा होता है उसको DP कह रहे हैं, क्योंकि हमें टीम अप किसी के साथ अब नहीं करना, लास्ट सर्कल है तो किल्स चाहिए सिर्फ। ये मेरे साथ सेकंड टाइम हो गया कि चिकन डिनर करते हुए लास्ट एनिमी जो है वो सोल से मार जाता है। तो होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स और मुझे बताइएगा क्या क्या गलतियां मैं करता हूँ अपनी वीडियोस में, क्योंकि नई नई कमेंट्री शुरू की है तो उसको मैं इम्प्रूव कर लूँगा। तो सी यू गाइस, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।